शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। फोर्सेस ये एक एनजीओ ग्रुप है और इस एनजीओ का मेन उद्देश्य ये है कि देश की जितनी भी युवा है उसको फौज के लिए प्रेरित करें। इस ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर अंकित गुप्ता है, अब मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे का प्रोग्राम को जारी करें। द रियल हीरोज आर द फौजीज, the Army, Navy, Air Force, the paramilitary forces who are guarding us 24/7. We have produced 7 officers in last 2 years. Out of them, one is a girl and 6 other boys from C4F. They were the cadre of C4F and they have now the officers in Indian Army and Indian Air Force. This expedition is the basic idea to sensitize the youth, to take them from all over India and to make them visit the places where this important battle we have fought and won. Apart from this Kargil expedition, One Rank, One Pension, National War Memorial and Lieutenant Saurav Kalia issue, इन पे हम लगातार काम कर रहे हैं। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो खीर देंगे। आप सभी का इस कारगिल वॉर मेमोरियल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यह कारगिल वॉर मेमोरियल कारगिल युद्ध के शहीदों की याद में नवंबर 2004 को बनाया गया था। आप जिस स्थान पर खड़े हैं उस स्थान से उन पहाड़ियों की चंद एक ऊंची चोटियां नजर आती हैं, जिनके ऊपर पाकिस्तानी सेना अपना कब्जा जमाए बैठी थी। इनके नाम इस प्रकार से है, आपके सामने जो पहाड़ी नजर आ रही है नाम तोलोलेंग, दाहिने वाली नोकीली चोटी नाम टाइगर हिल, बाएं की तरफ बढ़ता वरिष लाइन, उसी लाइन पर दूसरी ऊंची नोकीली चोटी नाम राइनोहॉर्न। विंटर 98 में जब हमारी भारतीय सेनाएं अपनी एलसी को छोड़कर कम बर्फीले स्थानों पर चली गईं, तो पाकिस्तानी सेना ने धोखे से हमारी पोस्टों पर कब्जा कर लिया। समर 99 में जब हमारी भारतीय सेनाएं वापस अपनी लोकेशन पर पहुंची, तो देखा गया कि पाकिस्तानी सेना के 3 इन्फेंट्री ब्रिगेडों द्वारा तकरीबन ऐसी 400 ऊंची चोटियों पर अपना कब्जा जमा लिया गया था। यह इलाका घुमरी से लेकर साउथ ग्लेशियर लगभग 150 किलोमीटर के इलाके में पाकिस्तानी सेना अपना कब्जा जमाए बैठी थी। कारगिल युद्ध
20 मई 99 को शुरू हुआ और 26 जुलाई 99 को संपन्न हुआ। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को हम विजय दिवस के रूप में इसी वॉर मेमोरियल पर मनाते हैं। इन शहीदों के बलिदान को किन्हीं भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जय हिंद। Thank you.